सो है ब्रदर्स फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सबको एक नए वीडियो में। मेरा नाम है सनी वर्मा और आप देख रहे हैं मिस्टर ब्रदर्स। तो गाइज आज मेरे पास है ये गोरिल्ला ट्राइपॉड जो कि मैंने आज ही मंगाया है। साथ ही इसके साथ आप देख सकते हैं छोटा सा एक बटन दिया हुआ है, जबकि आप कहीं भी दूर पे रहो बस ऐसे टिप दिए और हमारा वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट होके और मोबाइल में होता है। सो गाइज बहुत दिन से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे क्योंकि गाइज मेरा एक पर्सनल एक दुकान है जहाँ पर मैं अपना ज़्यादातर अब समय देता हूँ, इसी वजह से वीडियो लेट आ रहा है। तो गाइज आप लोग प्यार बनाए रखें और चैनल पे जो लोग भी नए आते हैं सब्सक्राइब करके जाया करो। तो गाइज आज हम इस गोरिल्ला ट्राइपॉड के बारे में देखेंगे कि इसका यूज़ किस तरह से हम लोग करेंगे। सबसे पहले इसकी बात करते हैं मजबूती का। तो गाइज ये काफ़ी मजबूत है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है पकड़ने में और इसका जो ये भी है काफ़ी मजबूत है और ये तो बटन तो नेक्स्ट लेवल है। गाइज ये बजट में आपका एक नंबर प्रोडक्ट है जो कि डिजिटेक कंपनी का है और इसका जो प्राइस है मैं लास्ट में मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप तक जाके चेक कर सकते हैं। अभी मत जाना, जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तब जाके चेक कर लेना। गाइज अब हम लोग इससे ब्लॉक करेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे ब्लॉक करके कि गाइज सबसे पहला फ्यूचर के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि हम लोग इस फ़ोन में करेंगे, इसका कैमरा ऑन करके और इससे कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे, वीडियो इससे रिकॉर्ड करेंगे। बस यहाँ टिप देंगे और यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड चालू हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं इसको। पहले इसका जो आएगा आपको ए बी शूटर जो आ रहा है इस पर पहले हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे। ए बी शूटर हम लोगों ने इसको सेट कर दिया है और इस बटन से हम लोग पिक लेने का कोशिश करेंगे। आप सब देखिएगा पिक से ले रहे हैं इसे, ठीक है। देखिए हो रहा है फोटो क्लिक, आप सब देख सकते हैं सारा फोटो इसी से मैंने क्लिक किया है और कहीं भी आप लोग रहिए वीडियो बनाइए। साथ ही हम इसको वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका वीडियो मोड चालू हो गया है। बटन से कंट्रोल करने के लिए कोशिश करेंगे, बस इसको क्या करना है ऐसे टिप देना है नीचे वो बटन और यहाँ से आपका देखिए टिपेंगे चालू हो जाएगा। टिपें आप सब देख सकते हैं वीडियो यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड हो रहा है और ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसका जो टेस्टिंग है हम लोग काफ़ी दूर से करके देखेंगे। आप लोग दूर से वैसे पकड़े हुए हैं तो आप लोग अपना रिमोट ऐसे ही पॉकेट में रहे या फिर कहीं भी रख ले रही और इसको बस टिप दीजिए और आपका ब्लॉगिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे फ्यूचर की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। सो गाइज इसको आप लोग कहीं भी सेट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आप यहाँ करके दिखाया है। सो गाइज अब इसको हम लोग अपने बाइक में लगा कर देखेंगे कि कैसा काम करता है। मोटो ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आ जाएगा अगर ऐसा हो तो। चलिए इस तरह से ये काम कर रहा है, यहाँ पर देखिए फ़ोटो क्लिक हो रहा है और इस तरह से आप अगर अपने गाड़ी में लगा देते हैं और गाड़ी चला रहे हैं तो अपने रिमोट से जब आपको चालू करना है चालू कर लो कैमरा और जब बंद करना है बंद कर लो। ये मोटो ब्लॉग में आप चाहे तो कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि नहीं करें क्योंकि आपका ये जो है काफ़ी ज़्यादा टाइट नहीं है और आपका फ़ोन टूटने का ज़्यादा चांसेस है, तो आप तो कर सकते हो नहीं भी कर सकते। सो गाइज अभी जो इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है ये ट्राइपॉड के द्वारा हो रहा है और ये काफ़ी में पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और पहले होता था कि हाथ से छूटने का डर ज़्यादा होता था फ़ोन, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे हम कहीं भी ज़्यादा देर तक इसको पकड़ सकते हैं। ज़्यादा भारी भी नहीं है, काफ़ी अच्छा है ये। थोड़ा सा इसको चल के देख लेते हैं कि स्टेबलाइजेशन कैसा है। स्टेबलाइजेशन बहुत मायने रखता है क्योंकि मैंने स्पेशली इसीलिए इसको मंगाया था क्योंकि स्टेबलाइजेशन सुधर जाए थोड़ा, और पहले होता था कि काफ़ी ज़्यादा हिलता था क्योंकि हाथ से पकड़ने में जो हाथ का जो वाइब्रेशन है वो फ़ोन का भी वाइब्रेशन हो जाता था, साथ इसी के साथ मुझे काफ़ी दिक्कत होता था ब्लॉक करने में। सो गाइज अब बताना आप सब कि इसका स्टेबलाइजेशन कैसा है और पकड़ने में मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग को भी ये चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा और इसका जो प्राइस है जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो इसका प्राइस लगभग मुझे लगा 439 रुपीज़। तो आप लोग जाके बाय कर सकते हैं। सो गाइज आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये वीडियो लाइक करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आप सबसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।